आज हमारी पार्टी शो की नई वीडियो आई है स्पेशली आप लोगों के लिए। आज आप हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं पर आप लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते और बेल घंटी भी नहीं बजाते। प्लीज बजा दीजिए, ये बेल घंटी क्लिक कर दो जल्दी से। आज आपको गोलीलॉक्स की स्टोरी सुनाऊंगा और उनको बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे बनते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हमें चाहिए शीट ग्रीन और हमें करना है ऐसे इसको ड्रॉ। ये बन गई है बेबी लॉकी। You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing. And of course it hurts. Every thought you make. But I know. Paper blind, wind is throwing me across the sky. अब हम बनाएंगे बाबा बेर। गरम था जब उन्हें तीसरे वाले को चखा तो उसको सही लगा। आम नाम 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 फिर उसको बहुत आराम करना था तो गोल्डीलॉक्स ने बहुत खा लिया था। उसको आराम करना था तो उसको ले दे छी तीन चेयर्स तीन चेयर्स। तो उस वो पे सबसे पहले वाली चेयर पे बैठी तो वो सबसे हॉट थी मतलब गर्म थी और जो दूसरे वाले पे बैठी वो उसके लिए बहुत सख्त थी और जो तीसरे वाले बैठी वो तो बैठी और वो टूट गई। उसको आराम करना था तो वो ऊपर गई गोली रखते जब वो ऊपर गई उसको आराम करना तो उसको तीन पैर दिखे। जब वो पहले वाले बैठी तो उसके लिए बहुत नरम था। जब दूसरे वाले बैठी उसके लिए बहुत सख्त था। जो तीसरे वाले बैठी वो उसके लिए सही था। जब उसके बाद टेडी बेयर्स आ गए वो उस बेड पे सो गई। इतने में पापा बेयर आ गए। इतने में तीनों बेयर्स वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि फिर पापा बेयर मामी बेयर और बेबी बेयर इतने में उन्होंने दलिया देखा। बाबा बेयर ने कहा कि इनकी नज़र दलिया पे गई। बाबा बेयर ने कहा मेरे दलिया को किसी ने चखा है। मामी बेयर कहती है मेरे दलिया को भी किसी ने चखा है। बेबी बेयर कहते हैं किसी ने मेरे उसको खाया है उसने तो पूरा ही खा लिया मेरे एक बचाया ही नहीं। फिर तीनों बेयर्स ऊपर जाते हैं। फिर बाबा बेयर कहते हैं मेरे
लगता है मेरे बेड पे कोई सोया था। और फिर मम्मी बियर कहती है हाँ मुझे मुझे भी लगता है कि मेरे बियर मेरे बेड पे भी कोई सोया था। बीबी बियर कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है मेरे बेड पे कोई सोया था और वो अभी भी सो रही है। जब बेबी लॉक्स उठती है तो फिर उनको तीन बियर्स नजर आते हैं। गोली लॉक्स की आँख खुल जाती है। गोली लॉक्स कहती है कि मेरे मेरे आगे तीन बियर्स क्यों खड़े हैं। फिर वो भाग जाती है। फिर वो सोचती है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। इस स्टोरी से हमें सीखा कि किसी के इजाजत लेके घर में नहीं घुसना चाहिए, इजाजत लेके घुसना चाहिए। इतनी ही थी ये वीडियो। बाय।